Now we are starting question number 11, exercise 13.3, class 12. We have this time. A manufacturer has three machine operator A, B and C. Three machine operator hai aur ek ka naam hai A, B aur teesre ka naam hai C. Ye yahan par aapke paas teeno machine operator hai. Theek hai, yahan tak ki baat theek hai. The first operator A produce 1% ye defective item banata hai. और ये जब भी काम करता है तो 5% डिफेक्टिव आइटम और ये जब भी काम करता है तो 7% डिफेक्टिव आइटम निकलते हैं. ए इज ऑन द जॉब फॉर 50%. ए काम पर आता है 50% ऑफ द टाइम. जो भी टाइम उनका है उसके 50% काम पर ए लगा रहता है. तो आपके पास तीन इवेंट आपको मिल चुके हैं कि ए लगता है 50% काम पर और बी लगता है आपके पास 30% टाइम काम पर लगा रहता है और जो सी है वो आपके पास लगता है 20% काम में लगा रहता है. तो परसेंट का मतलब क्या होता है ब्रदर, मैंने आपको समझाया था अपॉन 100. यहाँ पर भी आप अपॉन 100 लगा लीजिए और यहाँ पर भी ये आ गया. तो ये कितना ऑप्शन आएगा सोचिए, ये आपका 1/2 आ गया ब्रदर, ये आपका 3/10 आ गया है और ये आपका आ गया है कितना 1/5. ये ऑप्शन आ गया है तो आप इसे आगे सोल्व कर लीजिए. आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 0.5, 0.3 और 0.2, एज यू लाइक, जैसा आपका मन करे. प्रोबेबिलिटी मैं आपको समझाता हूं, अगर कभी स्कूल में कॉलेज में कहीं पर भी आपको टाइम कम हो रहा है तो जल्दी करने का तरीका यही है. इस तरह से लिख लीजिए ए ई टू और अब आप ढूंढ लीजिए कि ए इवेंट क्या है. ए इवेंट है ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस. मैंने आपको समझाया था मोस्टली लास्ट की लाइन में ही ये ए हमें मिल जाता है. ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, आइटम डिफेक्टिव निकल गया तो अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड. जो प्रोड्यूस हुआ है डिफेक्टिव हुआ है. अब हमें ये बताना है कि ये डिफेक्टिव प्रोड्यूस कहां से हुआ है, ए वाले बंदे से हुआ है यानी इससे, इससे हमें बताना है. तो चलो प्रोबेबिलिटी पहले सबकी डिफेक्टिव की देख लेते हैं. उसने आपको पहले बता दिया था ये 1% यानी कि 0.01, ये आपके पास है 5% यानी कि 0.05, तो ये आपके पास 7% 0.07, ये आपके पास इनका डिफेक्टिव आइटम बनाने का रेट है. अब हमें बताना है कि डिफेक्टिव आइटम आ गया है और वो इस बंदे ने बनाया होगा डिफेक्टिव आइटम, इसके कितनी प्रोबेबिलिटी है यानी कि जो इवन बंदा है उससे डिफेक्टिव आइटम आया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी. आप इसकी मल्टीप्लाई ऊपर रखिए 0.5 × 0.1 अपॉन में ब्रदर सबको रख दो 0.1 + 0.3 × 0.05 और आपके पास है प्लस 0.2 × 0.07. बात समझ रहे हैं? तो आपके पास ये कितना आ गया ब्रदर 0.005 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई करिए 0.005, अगली मल्टीप्लाई करिए 0.015, लास्ट मल्टीप्लाई करिए 0.014. इन सबको प्लस करिए ब्रदर, प्लस करके कितना आ गया ये 0.034 और ऊपर तो वही है 0.005. पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि सेम पे है तो इक्वल टू 5/34 प्रोबेबिलिटी है कि ये डिफेक्टिव आइटम मशीन ए या ऑपरेटर ए द्वारा ये प्रोड्यूस किया होगा. आई होप ये इजी सम इजीली आपको समझ में आ गया होगा. हमारे साथ बने रहिए क्योंकि 1 जनवरी से हम इस तरह की वीडियो अपलोड करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगी और इसके अलावा अब हम 1 जनवरी से इस तरह की वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपका और हमारा लंबा साथ बना रहे. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो जिनसे आप बड़े से बड़े सम्स को काफी शॉर्ट ट्रिक में ऑब्जेक्टिव वे में कर सकते हैं. तो हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच.